नारायण थाना क्षेत्र के सिंगड़िया बाजार के पास इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने गली में विदेश भेजने वाली कंपनी में लूट का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना पर मौके पर सीओ कैंप सुमित शुक्ला तथा मुकामी पुलिस पहुंच गई तथा मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गौरतलब है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक कंपनी द्वारा लोगों को विदेश भेजने के लिए पासपोर्ट बनवाने एवं वीजा मांगने का कार्य किया जाता था। कंपनी के मैनेजर के अनुसार शाम के वक्त कुछ लोगों ने ऑफिस में घुसकर लूट को अंजाम दिया है। लूट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुट गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला और गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, मनोज एक मिनट चकमेल गाड़ी ले आओ गाड़ी अंदर हाँ आपको कम से कम पहले तो दिखाई दे गौर हम भी कर रहे हैं ये क्या छूट क्या छूट दिया गया है झूठ बोल रहा था तभी तो बराबर तो निकाल के दिखाई दिया निकाल निकाल थोड़ा पीछे आप सही आप सही तभी तभी आप आइए शुक्ला जी आइए इनका ये कहना था कि इसमें ये वाले पोर्शन में पैसा रखा था लेके चले पे दोनों लोग लेके चले गए हम लोग सर्च करना शुरू करें लास्ट में अच्छा लूट से कहां बता रहा है सच्ची में दूर हो गए ये आप सत्तू भी इतना तब तो बाकी था कहाँ बैठा है ना भाई कहाँ बैठा है ना अच्छा एक दो लोग आ जाए चौकी पर इन्होंने 22 लाख रुपए लूट की सूचना दी थी कि पांच लोग अंदर आए और पिस्टल के बल पे 22 लाख रुपए जो विदेश भेजने नाम पे लोगों से लेते हैं उस पे 22 लाख रुपए लूट के लेके चले गए। लेकिन जब मौके पर तहकीकात की गई तो 9 लाख समथिंग हजार कुछ 9 लाख कुछ पैसा इनके वहीं पे बरामद भी हो गया है। उसके अलावा इनके घर पे चेकिंग चल रही है और भी वहां भी कुछ पैसा मिला है लेकिन उसकी भी चेकिंग चल रही है। बाकी घटना तो अभी तक पूर्ण रूप से संदिग्ध ही है बाकी जो भी और क्योंकि डीवीआर वगैरह करप्ट है इनका जो उस चीज को नहीं टेस्ट कर पाए इनकी बाकी और भी चीजें वो लोग टेस्ट कर रहे हैं आगे कैमरा में देख रहे हैं कि और भी जो चीजें हैं वही क्लियर हो पाए। सर इसका मतलब पुलिस ये मान के चल रही है घटना संदिग्ध है 9 लाख बरामद हो गए तत्काल ही 9 लाख रुपए छुपा के रखे थे रैक में तो तत्काल ही बरामद कर लिया हम लोगों ने 9 लाख बरामद हो गया है। वादी के घर से वादी के ऑफिस से अच्छा वादी के ऑफिस से वादी के ऑफिस बड़ा मतलब कैबिन कई कैबिनों में बटा है तो उसी कैबिन से ही कैबिन में जो उधर कहा कोई नहीं जाता उधर गत बरात में पैसा बैग रखा था उसमें 9 लाख समथिंग मिला भी एक दिन नहीं लगे 9 लाख के आसपास है वो पैसा बरामद भी हो गया। इनके घर पे भी काफी ज्यादा मतलब पैसा मिला है तो वो भी कार्य चल रहा है। कुछ लोग गिरफ्तारी की गई है नहीं क्या तो वादी ही मौजूद है तो उसके दुकान जो उसके लोग थे वही बाकी कोई वादी नहीं है उसके मतलब एजेंट ऑफिस में जो लोग थे वही लोग मौके पर है वही लोग गिरफ्तारी नहीं वही लोग हैं पूछताछ हो रही है उन लोगों से आप लोग पूछताछ करने के लिए गए वही बात किया। आज लगभग 7:20 के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम गोरखपुर को एक व्यक्ति संतोष सिंह द्वारा फ़ोन करके ये सूचना दी गई कि इनके व्यावसायिक संस्थान से लगभग 22 लाख रुपए की लूट कुछ लोगों द्वारा अवैध असला दिखाकर की गई है। इस सूचना के प्राप्त होने पर मौके पर कैंट पुलिस द्वारा पहुंच के जब जांच पड़ताल की गई तो इनके व्यावसायिक संस्थान से कई स्टैम्प पेपर के कलर्ड जेरोक्स पे लोगों के साइन तथा इनके द्वारा लोगों को बाहर भेजने के नाम पे काफ़ी पैसा कलेक्ट किया गया था ऐसा पता चला। इनके द्वारा यह बताया गया था कि यहाँ से कुल 22 लाख की लूट हुई है मौके से ही हमें 9 लाख कुछ रुपए बरामद हो गए हैं और इनके घर जब जांच की गई तो इनके घर से भी लगभग 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इन दोनों पैसों की जाँच की जा रही है तथा साथ ही वहाँ पर इनके द्वारा जो भी सूचना दी गई है कि यहाँ से लोगों द्वारा अवैध असला दिखा के लूट की गई है
उसकी भी जांच सीसीटीवी फुटेज तथा सर्विलांस तथा टीमों को लगाकर की जा रही है, और जो भी जानकारी प्राप्त होगी वो आगे दी जाएगी।